हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, एंड आई होप कि सेशन में सब लोगों ने ज्वाइन करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। चलिए, अच्छा करते हैं क्लास की शुरुआत। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे पहला काम जो होता है, एक बार से लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कर दिया करिए, एंड डू लाइक द सेशन। ऑलराइट, तो शुरुआत करी जाए। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, तो क्या बोल रहे थे तुम लोग? बहुत देर से तुम लोग की चिट चैट देख रहे थे। राकेश शर्मा, आप ब्लॉक नहीं हो, वो कई बार ऐसा हो जाता है, बट यू आर नॉट ब्लॉक। ठीक है, आपके मैसेजेस अभी भी दिख रहे हैं। विभूति, आशीष, केडी, श्वेता, बगरल, सुमन, प्रफुल, सीआर, मलाइका, नितिन, हितेश, वेरी गुड मॉर्निंग। ये ब्रूसली किसने नाम रखा है अपना? हिमांशु, देखो डीआरडीओ ने जो अभी रिसेंटली जिसको डेवलप किया है और अभी उसको अप्रूवल भी मिल चुका है, वो जो ड्रग है उसके ऊपर ना अलग से 5-10 मिनट का एक हम सेशन ले लेंगे, जो कि करीबन 10 बजे के आसपास होगा, तो उसे ड्रीम यूपीएससी पे अपलोड करा देंगे। ठीक है, वहाँ पे उसको पूरा डिटेल में एक बार से देख लेना। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो भैया, सेशन के लिंक को एक बार से शेयर मारो फटाफट से। वेरी गुड मॉर्निंग, और देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चन हैं और कितने तुम लोग सही कर पाते हो। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप सही कितने कर पाते हैं, है ना? एंटोनियो ग्यूटेरेस, संगीता, सद्दाम, जयश्री, राजन, चंदन, ओमी, बंगाली, ओमकार, मॉर्निंग, राजेश, निकिता, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ठीक है, ठीक है, तलाला, नरेश, ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैक्स ऑफ द चीज़ें जो है वो इंग्लिश में भी उनका यूज़ किया जाए। ठीक है, ऑलराइट, तो आज मेरी तरफ से आप सबकी मदर्स को हैप्पी 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 मदर्स डे। और जो तुम में से ऐसे थे ना जो कह रहे थे कि मैम इतनी बड़ी फैमिली है, इतना छोटा सा केक है, अरे बुद्धू वो चॉकोलावा केक था, तो सबका अलग अलग होगा ना, एक बड़ा सा केक थोड़ी ना था। तो आई विश एवरी वन कि आज के दिन पे थोड़ा सा अपनी मदर को रेस्ट दे। आप जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना उससे ही आपकी मदर खुश हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बहुत ही ज़्यादा कोई प्रेशियस गिफ्ट ला के दें या आप उनके लिए कुछ ऐसा करें जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। माँ तो माँ होती है, और आप ये चीज़ जानते हैं कि एक वही ऐसा इंसान होता है दुनिया के अंदर। मैंने आपको कई बार ये एग्जाम्पल भी दिया है कि सिर्फ एक माँ ही ऐसा, मतलब एक ऐसा चेहरा होता है कि अगर आप सपोज करो कि कहीं आप जा रहे हो या आप कोई काम करने जा रहे हो, कुछ आप नया करने जा रहे हो, तो हमेशा एक वही होती है जो आपकी बैकबोन होती है। दुनिया में आप कभी भी कहीं पे भी चले जाइएगा, जो आप लोग कहते हैं ना, अरे मैम दिस इज माय लाइफ, दिस इज माय शोना बाबू फलाने माँ का, ऐसा कुछ नहीं होता यार। लाइफ में माँ बाप से ज़्यादा आपको कोई ना कभी प्यार कर सकता है और ना कभी इन फ्यूचर प्यार कर पाएगा। इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए। इसीलिए कहते हैं जस्ट डेडिकेट सम टाइम टू योर फैमिली। और ये जो समय आपको सम टाइम की बात करते हैं ना, ये सम टाइम उनको समझ में आता है जिनको वो समय नहीं मिलता, जैसे कि मैं। ठीक है, तो दिस इज माई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ गिव सम टाइम टू योर फैमिली, और कम से कम आज के दिन तो उनको थोड़ा सा रेस्ट दीजिएगा। चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, सभी लोगों को आज थोड़ा सा काम जरूर करना है अपनी मदर के बिहाफ पे। ऑलराइट, चलिए, अच्छा, जो सभी लोग यहाँ पे एक बार से मेरी साइड से भी अपनी मदर्स को विश करेंगे हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। चले गए, आगाज किया जाए। भूपेंद्र, सूरजमल, मनीष, देवराज, आशीष, अशोक, इतिश्री, भूपेंद्र, भूमि, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो, अच्छा करते हैं यहाँ पे क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, फटाफट से सवाल देखना और जल्दी जल्दी आंसर करते चलो। ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 जो लॉन्च किया गया था, इसमें इंडिया की तरफ से कितने नेवल शिप भेजे गए थे? ओके, अच्छा हाँ, एक चीज़ और मैं यहीं पर क्लियर कर दूँ। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि अलग अलग जगह पर भी पढ़ते हैं, ओके, करेंट अफेयर्स, तो देखो फिर आप आके मेरे से डाउट पूछते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देती हूँ। बट मैं यही कहना चाहूँगी, एक जगह से पढ़ो, ऑथेंटिक पढ़ो। अब मैंने आपको पढ़ाया कि इजिप्ट के अंदर वो मम्मी मिली है, वो जो प्रेग्नेंट वाली मम्मी थी, अब किसी ने कहीं से पढ़ लिया होगा कि वो पोर्तुगल में मिली है ना, तो ऐसा प्लीज़ अगर ऐसा कहीं पर डाउट हुआ करे जस्ट गूगल इट। ओके, चलिए, अच्छा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की बात करें तो इसके अंदर टोटल कितने नेवल शिप को डिप्लॉय किया गया था? ये देखो 5 आ रहा है। पहले ही आंसर में तुम तो नैया डुबो दिए यार, 7 होगा। देखिएगा यहाँ पर समुद्र सेतु जो है ये एक ऐसा मिशन है जो पिछले साल लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ से इंडियंस को वापस लाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था। लेकिन इस बार इंडियन नेवी ने जब इस मिशन को लॉन्च किया है तो इसके अंदर क्या बोला गया, इसके अंदर जो अभी इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होती जा रही है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर इन लोगों ने काम करना शुरू किया है।
अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आईनेस को डिप्लॉय किया गया है, चाहे वो तलाश हो चाहे वो कोलकाता हो, सबको अलग अलग डायरेक्शन में डिप्लॉय किया गया है। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल दिया कि व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, प्लान बी क्या है। अरे यार प्लान ए नहीं बना है, प्लान बी कहाँ से बनेगा। तो प्लान बी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है, लेट्स सी कि उनकी रिपोर्ट क्या आती है। तीसरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बताया था ब्लैक फंगस के बारे में, और कल मैंने उसका पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया था। तो ब्लैक फंगस के ऊपर अगर सवाल बनेगा तो क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आईज को वो इफेक्ट करता है, आई साइट जा सकती है, किसमें होता है, डायबिटीज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो ये सब चीजें होती हैं। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई नेवी की, लेकिन अगर आप एयरफोर्स की बात करोगे तो यहाँ पे ऑपरेशन ऑक्सीजन की शुरुआत करेगी, जिसमें ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट किया जाएगा। यहीं पे मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था जर्मनी के बारे में, जर्मनी से जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आने की बात हो रही थी, ये मोबाइल ऑक्सीजन सिलेंडर्स होंगे और इनको भी एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा। और जहां जहां पे एयरलिफ्टिंग की बात आ रही है, जैसे कि इंडिया ने यूएसए में जाके क्या लेकर आया, वहां से रॉ मटेरियल लेके आया फॉर द वैक्सीन, तो उसके लिए कौन से वाले फ्लाइट का यूज हुआ, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो C-17 हो जाएगा, ठीक है। चलो करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट है, चलो गुड्डू एंटोनियो करेक्ट है, सुभाष, सौरभ, अमरेंद्र करेक्ट है। अगला देखिए, विच स्टेट इनिशिएटिव पर्वत धारा योजना, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे पर्वत धारा योजना को अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया था, एंड ये जो योजना है ये वाटर कंजर्वेशन के लिए, किसके लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। ओके, यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये लॉन्च क्यों करेगी। देखो इसमें क्या था कि जितने भी हिली एरियाज है, ऑब्वियस सी बात है इसमें से कोई एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हिली एरिया है, वही इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, हिमाचल प्रदेश। आप समझिएगा, एक्चुअली इसको लॉन्च इसलिए किया गया है ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके, पानी को बचाया जा सके। जितने भी हिली एरियाज हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, वहाँ पे क्या होता है कि स्लोपी एरिया होता है, स्लोप होता है, स्लोप होने की वजह से जो रिवर्स हैं वो सीधे बहते हुए चली जाती हैं, कहीं पे पानी रुकता है नहीं, तो यहाँ पे क्या नहीं हो पाता है, यहाँ पे कोई फसल नहीं हो पाती, कोई क्रॉप नहीं हो पाती। तो इरिगेशन को और ज़्यादा मेंटेन करने के लिए इन्होंने कहा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्टिफिशियल लेक वगैरह क्रिएट करेंगे, आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाएंगे, ताकि यहाँ पे सिंचाई को या इरिगेशन को और भी ज्यादा अच्छा बनाया जा सके, कहाँ, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अच्छा, अब एक पॉइंट और, मैंने आपको बताया था कि बीआरओ ने अभी रिसेंटली अपना 61st राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, रोहतांग दर्रा, राइट, और वहीं पे क्या मिलता है, रोहतांग टनल, जिसे हम अटल टनल के नाम से जानते हैं। इसको भी डेवलप किसने किया, बीआरओ के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और बीआरओ में आपको ध्यान होगा कि अभी रिसेंटली एक फीमेल का अपॉइंटमेंट किया गया है, पहली बार किसी महिला का, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है वैशाली। तो इतनी बातें आपको क्या करनी है, रट्टा मार के रखनी है। चलो अगली न्यूज बताओ। अच्छा अच्छा बेटा, पानी रोकेंगे कैसे, आई मतलब ये जो इसने सवाल पूछा ना, ये वो बच्चा है जो क्लास में आज पहली बार आया है। और एक बात ध्यान रखना, अगर तुम पूरे हफ्ते में पढ़ाई नहीं करते हो और तुमको लगता है ये सबके लिए, और अगर तुमको लगता है कि तुम वीकली MCQ पढ़ के जाके वहाँ पेपर में फ्लाइंग कलर के साथ में उड़ते हुए नजर आओगे, तो बेटा कहीं ऐसा नहीं होने वाला, समझ रहे हो, कहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वीकली MCQ इज जस्ट अ रिविजन कि आपको कितना आता है। हर दिन की जो एनालिसिस होती है वो अलग एनालिसिस होती है, क्योंकि उसमें आपको हर एक एक पॉइंट, छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं। आप वही नहीं पढ़ोगे तो यहाँ पे टेस्ट देने का क्या मतलब है, वही बात होगी, पूरे एग्जाम भर पढ़े नहीं, मुंह उठा के चले आए कहाँ, टेस्ट देने के लिए। चलो अगली इसकी बताइए, गोपा बंधु स्वास्थ्य बीमा योजना, ओरिसा, बड़ी तेजी में आंसर कर लिए, क्या बात है, ओरिसा ओरिसा ओरिसा, सब ओरिसा के साथ में जा रहे हैं, पिंकी, यश, मनोज, सपना, आयुषी, ओके। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा ओरिसा। अब ये क्यों लॉन्च किया गया था, देखिए इसमें कहा गया था कि जितने भी जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनको यहाँ पे अब क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। इससे पहले यहाँ पे ये बोला गया था कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको कोरोना वॉरियर डिक्लेयर किया गया था, और उसके बाद में अब कहा गया कि भाई इनके लिए क्या होगा, इंश्योरेंस होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये स्कीम अभी की नहीं है, ये स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी, अभी तो सिर्फ इसके अंदर इन लोगों को एड ऑन किया गया है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप यूपी की बात करो, यूपी के अंदर क्या हुआ कि जो जर्नलिस्ट हैं और उनकी जो फैमिली हैं इनके लिए वैक्सीनेशन को फ्री कर दिया गया है, कहाँ पर, यूपी के अंदर। और इसमें ये भी बोला गया है कि जर्नलिस्ट को तो यहाँ पे वैक्सीनेट किया जाएगा, साथ में उनकी फैमिली में जिनकी एज 18 प्लस है उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। 18 प्लस से देखो क्या याद आएगा, तुरंत से दिमाग पे स्ट्राइक करेगा, लेकिन वो स्ट्राइक कब करेगा, जब आपने रेगुलर क्लास करी होगी, है ना। देखो
कनाडा, मैंने आपको पढ़ाया था कि 12 से लेके 15 साल तक के जो बच्चे हैं अब इनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा, कहाँ पर? कनाडा के अंदर। कुछ याद आ रहा है? और ऐसा करने वाला कनाडा सबसे पहला कंट्री बन गया। आप मुझे ये बताओ कि कौन सी वाली वैक्सीन, नेम द वैक्सीन। हिमांशु करेक्ट है, वैक्सीन का नाम बताओ कौन सी होगी। शिल्पा राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिया का फर्स्ट ड्राइव वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कहाँ पर अभी हाल ही में खोला गया था, यानी कि ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर अनवील्स एट विच प्लेस। इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुंबई के अंदर, इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। बिल्कुल करेक्ट, वेरी नाइस। देखिए मुंबई के अंदर जब इसको लॉन्च किया गया था तो ये आपको बता दें कि इसमें क्या था, आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना था, वहाँ पर उन्होंने पार्किंग बना के रखी है, उस पार्किंग में जाके सिर्फ आपको अपनी गाड़ी को पार्क करना था, 60 रुपये हर घंटे के हिसाब से आपको पे करना था और वहीं पर आपको गाड़ी में आके क्या हो जाएगा, वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, आपको उतर के जाने की जरूरत नहीं है। ये सब चीज़ें जो है फाइजर वैक्सीन, बिल्कुल करेक्ट है। अरे फाइजर में एफ नहीं है, ठीक है, पी है, वो पहले पी लगेगा उसके बाद में एफ है। तो वहाँ पे ऐसे करने से क्या होगा कि भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होगी और इसके साथ में हर एक व्यक्ति जो है वो किसी के कॉन्टैक्ट में भी नहीं आएगा। तो ये मुंबई के अंदर अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया। हाँ आगे चल के आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ में भी स्टार्ट करने की बात हुई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो थर्ड वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है अभी इसको पोस्टपोन भी कर दिया गया है। मैंने आपको यहीं पर एक और न्यूज़ कल बताई थी एमपी के बारे में। एमपी में मैंने आपको बताया था कि जो पुअर लोग हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं जिनको कोरोना हो गया, जिनको कोविड हुआ है, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्या होगा, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा अगले 3 महीनों के लिए। और ये कहाँ पर होगा? ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। एक ऑप्शन दिल्ली लिखा है, बात तो करेंगे ही ना। सरदार पटेल जी के नाम पे यहाँ पे डीआरडीओ ने क्या किया है, अभी रिसेंटली एक हॉस्पिटल बना के खड़ा किया विद इन 12 डेज। ओके, इसके अलावा यूपी में भी इन्होंने ऐसा काम किया है, गुजरात के अंदर भी इन्होंने ऐसा काम किया है। अच्छा, डीआरडीओ ने जो अभी वैक्सीन डेवलप करी है या फिर हम ये कह रहे हैं कि जो दवा बताई है उसके ऊपर अलग से एक सेशन बना देंगे, ठीक है। चलो अच्छा, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल। भाई कहाँ रह जाते हो तुम लोग, हाँ अरे छोड़ ना भाई, कई सरकार के बारे में क्या बातें करनी, छोड़ो, कोई लॉजिक नहीं है यार। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सिंपल सी बात, क्या लाइन बनाई है मैंने, देखो अपनी सुरक्षा अपने आप, सिंपल सी लाइन है। चलो अच्छा आगे देखो, बताइए पुडुचेरी के अंदर अभी हाल ही में सीएम के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, फटाक से आंसर करके बताओ। और ये भी बता देना कि तमिलनाडु के अंदर किसका अपॉइंटमेंट किया गया है एज अ सीएम। चलिए पहले तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये पुडुचेरी। अब पुडुचेरी के अंदर आपको मालूम है कि एलजी है, राइट, सभी लोग जानते हैं कौन है, तमिलसाई जी। और तमिलसाई जी कहाँ की गवर्नर है, तेलंगाना की राज्यपाल है, तेलंगाना की गवर्नर है। सेकेंड पॉइंट लिखा है ममता बनर्जी जी। अब आप जानते हैं यहाँ पे ममता बनर्जी जी के बारे में, तेजराम देखो अभी ना क्या हो रहा है, सारे स्टेट कुछ ऐसा ऐसा काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमें सिर्फ पहला स्टेट मालूम होना चाहिए, बाकी अगर नहीं भी पता होगा तो काम चलेगा, बट यू शुड नो द फर्स्ट वन। और या तो अगर वहाँ पे कुछ ऐसा स्पेशल हुआ है तो वो स्टेट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो केरला हो गया, आंध्रा हो गया, ये वो स्टेट हैं जो वैक्सीनेशन प्रोसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही फेयरली कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, इसका आंसर बताओ। हाँ, ममता बनर्जी जी के बारे में बात करेंगे लेकिन पहले इनके बारे में तो बात कर लो पूरी। हाँ, तो ये था कि इनको चौथी बार यहाँ पे सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है। ओके, ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, यूटी है। अब आप कहेंगे मैम यहाँ पे सीएम क्यों, अरे यार यहाँ पे विधानसभा है और इसके अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है, 30+3 का रेशियो याद रखिएगा, जिसमें ये जो आपको 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है ये कौन है, ये वो व्यक्ति हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपॉइंट करती है, और बाकी 30 पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शन किया जाता है, करेक्ट है शिवानी। ओके, अगला देखो, ममता बनर्जी जी जानते हैं ना कौन है, चलो बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कौन है। इनको तीसरी बार अभी हाल ही में सीएम अपॉइंट किया गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब आप कहेंगे कि मैम ये किसी सीट से जीती तो है नहीं, यार सच्चाई से बताएं तो अभी तक मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को खुद ही नहीं पता है कि ये अपनी सीट से जीती थी कि नहीं जीती थी, क्योंकि इन्होंने किसी और सीट से शपथ तो ली नहीं है। और जब अगर आप किसी भी सीट से नहीं जीतते हैं तो आपको सीएम नहीं बनाया जा सकता, बात समझ रहे हो, यानी कि या तो आप विधानसभा के मेंबर हो या विधान परिषद के मेंबर हो, कहीं के तो मेंबर आपको होना पड़ेगा, बट इन्होंने कहीं भी अलग जगह से शपथ नहीं लिया, इसका मतलब ये है कि अपनी सीट से जीती है, हाँ या ना, क्या कहते हो? पता नहीं यार क्या सीन है, मेरे को भी नहीं पता, बट फिलहाल ये ध्यान रखना कि इन्होंने किसी और सीट से कोई भी शपथ नहीं लिया, इन्होंने डायरेक्टली सीएम के पोस्ट की शपथ ली है। अगला,
एमके स्टालिन, ये आपको ध्यान होंगे अभी हाल ही में इनको तमिलनाडु के अंदर सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया और पुरोहित जी ने इनको शपथ दिलाने का काम किया, तो ये तीनों लोगों के नाम आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए दीदी जी। ओके अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, ये मेरे को नहीं पता, यहाँ पे कहानी क्या है वो तो मैं भी नहीं जानती। हाँ जी अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या हुआ है स्वदेश दर्शन कब स्टार्ट होगा? बेटा मंडे टू फ्राइडे होता है ना स्वदेश दर्शन, हर क्लास में बोलते हैं, सुनने की होती है। अगला सवाल, इंडिया ने अभी हाल ही में इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ में एक रोड मैप तैयार किया है और वो जो रोड मैप है वो 10 सालों के लिए यहाँ पर तैयार किया गया? आप आंसर बताओ, तब तक मैं आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में बता दूं। यूएसए, देखिए वॉशिंगटन डीसी की बात करें तो अभी रिसेंटली बोला जा रहा था कि इसको एक नया क्या बना देंगे, स्टेट बना देंगे, बट इसके लिए बिल तो पास हुआ लेकिन ये जो बिल पास हुआ इसको अभी प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं दिया गया, तो अप्रूवल जब मिल जाएगा तब बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि चाइना का जो रॉकेट गिरने वाला है लॉन्ग मार्च 5B, यार ये अभी तक गिरा नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया, तो ये बताया जा रहा था कि हो सकता है ये न्यूयॉर्क के आसपास आके गिरे या फिर न्यूयॉर्क शहर में ही गिर सकता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूके इज द राइट आंसर। अब सुनो, ड्राइवर लेस जो अभी कार स्टार्ट करी गई है वो कहाँ हुई है? यूके के अंदर हुई है। दूसरा पॉइंट, G7 का जो सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है यानी कि जो होस्ट कर रही है कंट्री वो कौन सी है? दैट इज ऑल्सो यूके के अंदर है। तो 2021 का G7 समिट यूके, इसमें इंडिया की तरफ से अभी कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? एस जयशंकर जी, और एस जयशंकर जी ने अभी रिसेंटली 3 देशों के साथ में अलग से भी एक बैठक का आयोजन किया है और वो कौन कौन सी है? इंडिया, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, ये अलग ध्यान रखना। लेकिन ये क्वाड ग्रुप नहीं है, पता चला इसको क्वाड समझ लो, क्वाड में क्या आएगा? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है, एंटोनियो करेक्ट है, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा नेक्स्ट देखो, इसराइल, इसराइल पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसे हम कोविड फ्री कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी मास्क लगाने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नीड नहीं है, और इन्होंने फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल किया था और 1 महीने के अंदर सबको वैक्सीनेट कर दिया, बहुत बड़ी बात थी, 1 महीने में पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अंकित कुमार, अरे भाई क्वेश्चन समझा रहे हैं ना तो नहीं देख पा रहे होंगे कमेंट, अब सारे कमेंट देखें तो कैसन काम चलेगा बताओ। हाँ उद्धव ठाकरे, एग्जैक्टली उद्धव ठाकरे ने लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाके मेंबर बनके शपथ लेके अपनी सीट हासिल करी थी, ठीक है, तो तभी मैंने बोला कि इन्होंने कहीं अलग से शपथ तो ली नहीं, तो कहानी हुई क्या? दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन मार्क। ओके अगला सवाल बताइए, G7 फॉरेस्ट मिनिस्टर की जो समिट अभी मैंने आपको बता ही दिया ये कहाँ पे हुई? यूके के अंदर। चलो अच्छा पुरानी वाले की भी बात कर लेते हैं, अगर कहा जाए G7 2020 का जो समिट हुआ था वो क्या यूएसए में हुआ था? भैया कैंसिल हो गया था ड्यू टू कोविड, और इससे पहले कहाँ पे हुआ था? तो वो फ्रांस के अंदर हुआ था 2019 में, ठीक है ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ऋषभ करेक्ट, मनोज, भावे, अक्षय, केडी, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बताओ, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडिस्टियल ब्रिज ये अभी हाल ही में कहाँ पर ओपन किया गया है? तो देखो ब्राजील के अंदर तो वैसे भी नहीं है, अब इसका आंसर करो। बेटा वही तो मैंने बोला कि ये रूल क्या है तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इन्होंने किसी अलग पोस्ट से तो शपथ ली नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो अपनी वाली कुर्सी से ही जीती हैं, क्योंकि एक ना एक कुर्सी तो होनी चाहिए तभी आप सीएम बन सकते हो, दैट इज अ क्राइटेरिया, यही क्राइटेरिया कहता है। इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाल इज द राइट आंसर। अच्छा आप जरा एक बात को और समझिएगा, यहाँ पे पुर्तगाल की कैपिटल क्या हो जाएगी? लिस्बन हो जाएगी, मैंने आपको बताया था, और कल की तारीख में मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक काउंसिल की जो बैठक होने वाली थी 8 मई को, इसके अंदर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी पार्टिसिपेट करने वाले थे, और इसको होस्ट कौन कर रहा था? पुर्तगाल इसको होस्ट कर रहा था। अगर आपसे यूरोपियन यूनियन पूछा जाएगा तो टोटल 27 कंट्रीज हो जाएंगी, और जो कंट्री इसमें से बाहर हुई है दैट इज ब्रिटेन, और इसे हम क्या कहते हैं? ब्रेक्सिट के नाम से जानते हैं, यानी कि ब्रिटेन एग्जिट। ओके नेक्स्ट देखो, स्पेन, स्पेन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज इसकी कैपिटल क्या है? मैड्रिड है, और ये ध्यान रखिएगा कि COP25 यहाँ हुई थी, COP26 जो है वो यूके के अंदर ऑर्गेनाइज करी जाएगी, है ना। रतन नहीं हो रहा है, दिख गया मेरे को तुम्हारा आंसर। अगला सवाल बताओ, नहीं यार अब देखो नहीं जीती हैं, जीती हैं ये तो हम नहीं कह सकते ना, हमें पता ही नहीं है तो काहे हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, बताओ कोई डिस्कशन का टॉपिक है ये? बिल्कुल भी नहीं, SS करेक्ट है। देखो यहाँ पे अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है नेट जीरो, हाँ बिल्कुल सही है, नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज। देखो सिंपल सी बात को समझो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, जैसे कि मानो ये दीदी जी हैं, ठीक है, अब
इन्होंने मान लीजिए विधानसभा के अंदर इनको कोई सीट नहीं मिली, ओके। अब क्राइटेरिया क्या होता है समझ लो, इसको यहीं पे समझ लो। अब इनको क्या होगा ना, 6 महीने का समय दिया जाएगा, जैसे कि उद्धव ठाकरे जी को दिया गया था। उद्धव ठाकरे जी के केस में भी यही हुआ था, कहा गया था भैया 6 महीने का समय ले लो और अपना क्या करना है आपको कॉन्फिडेंस, वो क्या करेंगे जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? अब इसके लिए वोटिंग होती है कि भैया सभी मेंबर इनसे खुश हैं कि नहीं है। तो 6 महीने का जो समय मिला है, हो सकता है उतने 6 महीने में ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी सीट से आपको देखने को मिल जाए। तो हैव सम पेशेंस, जो भी होगा वो सामने आएगा, ठीक है। ओके, नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज, ये अभी हाल ही में किसने बनाया या फिर कौन इसके अंदर आने जा रहा है? सऊदी अरेबिया। ओके, सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? रियाद है। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो आपको मक्का मदीना नाम की जो होली प्लेसेस हैं वो भी आपको यहीं मिलेंगे। और बताओ ईद की तैयारियां हो गई? तैयारियां बिल्कुल जोरों शोरों से चल रही होंगी, बट प्लीज अपना ख्याल रखें और घर में ही रहें। जो चीजें आपके पास में उपलब्ध हैं, जो भी चीजें आपके घर में हैं, प्लीज जस्ट यूज देम। न्यूज वाले उनको खुद ही नहीं पता है तो तुमको क्या बताएंगे। अगला देखो, ई नैम डिजिटल पेमेंट पार्टनर अभी हाल ही में कौन से बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर बताइए। क्लाइमेट चेंज देखो पोस्टपोन होती है कि नहीं यार, ये हम लोग को कैसे पता होगा, ये तो वही बताएंगे। इसका आंसर क्या बनेगा? कोटक महिंद्रा के द्वारा इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था, ठीक है। अतुल मिश्रा, हाँ मैंने भी यही पॉइंट बताया ना, 6 मंथ का जो टाइम मिला है तो हो सकता है उतने टाइम पीरियड में कुछ हो जाएगा। ओके, अगला देखो। अच्छा यहाँ से सुनो, देखो इंडिया की जो जीडीपी है ना, वो आप जानते हैं कि हर बार हर महीने अलग अलग कोई ना कोई बताता रहता है, तो इसको ना हर बार हम क्या करते हैं, चेंज होते हुए हमें मिलती है। तो सिर्फ इसको पढ़ लो, इसको रट्टा मारने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में जब तक आने की नौबत आएगी तब तक 100 बार यहाँ पे नई वाली आ चुकी होगी, ठीक है। एक्सिस बैंक इसका आंसर नहीं है। चलिए, अच्छा पूछा जा रहा है S&P यानी कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर के द्वारा इंडिया की जो GDP बताई गई है फाइनेंशियल ईयर 22 की, ये कितनी बताई गई है? अगर आप देखें तो ये जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है ये काम करती है वैसे तो लंदन में, लेकिन ये USA में मोडीज और फिच के साथ में मिलके भी काम करती है, तो इसका जो एस्टिमेशन है वो बताया गया है 9.8%। लेकिन यहीं पर सिपरी का इंडेक्स भी याद कर लो, सिपरी का जो इंडेक्स था ये क्या करता है, ये बताता है कि कौन सी कंट्री कितना पैसा अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्चा कर रही है, जिसके अंदर नंबर 1 पे USA था, नंबर 2 पे चाइना था और नंबर 3 पे कौन था, इंडिया आता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि GDP के हिसाब से ही सिपरी यहाँ पे पूरा डेटा कैलकुलेट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, 9.8%। अगला, फिच कंपनी कहाँ की है? US की है। और इसी तरीके से मोडीज पूछी जाएगी तो वो भी कहाँ की है? US की। दोनों भाई बहन है, बड़े प्यारे से भाई बहन है, मतलब एक है गोलू एक है गोली, ठीक है। हाँ जी, अब सवाल यहाँ पे ये आया कि इन्होंने इंडिया की GDP कितनी बताई हुई है। GDP तो पता है ना क्या होता है, सुनो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी चीज़ों को प्रोड्यूस किया गया है, जो फाइनल चीज़ें बनाई गई हैं उसके ऊपर हम GDP कैलकुलेट करते हैं। 50% है, पीट दिए जाओगे। कोई बात नहीं। तो ये पॉइंट आपको क्या करना है, समझना है कि GDP का मतलब क्या होता है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये ध्यान रखना, फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मान लो एक रहे गोलू, है ना, अब गोलू के पास में बहुत ही बड़ी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, और वो कौन सी इंडस्ट्री थी, ऑटोमोबाइल्स की। भैया ऑडी बनाते थे, कौन सी गाड़ी बनाते थे, ऑडी। कौन? गोलू। सोचो गोलू ऑडी बनाता था। अब गोलू ने ऑडी का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1st of April से लेके 31st of March तक इंडिया का फाइनेंशियल ईयर रहता है। अब गोलू ने ऑडी कार पूरे एक साल में जितनी बना के फाइनली कंप्लीट करी होंगी उसके ऊपर ही यहाँ पे क्या किया जाएगा, कितना ग्रो किया है उसको कैलकुलेट किया जाता है। अगर मान लो कि गोलू ने जब ये गाड़ी बनाई तो उसमें सपोज करो कि एक गाड़ी ऐसी या दो गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाई, तो वो नेक्स्ट वाले फाइनेंशियल ईयर में काउंट करी जाएगी, इस वाले फाइनेंशियल ईयर में काउंट नहीं करी जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9.5%, इन्होंने भी बताया है। मर्सिडीज करवा दे इनको, नहीं यार छोड़ो ना, ऑडी, मेरे को भी ऑडी लगती है अच्छी, तो इनको भी ऑडी है। जगन्नाथ मुंडल का हो गया भैया, कोई दिक्कत तुमको, पढ़ लो है। चलिए भैया, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दियो, हम कहना भूल जाते हैं, तुम लोग काम करना भूल जाते हो। अगला बताओ, यूनेस्को ने अभी हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2021 से किसको नवाजा है? आप ये बताओ, तब तक हम बाकी चीजें बता देते हैं। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में ये जो अवार्ड है ये जापान के द्वारा दिया गया था, किसको मिला था, श्यामला गणेश जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दूसरा अवार्ड आपको याद होगा कि वेंकैया नायडू जी ने एक अवार्ड दिया था किसके नाम पे,
यदुवीर मेमोरियल या फिर यदुवीर मेमोरियल अवार्ड दिया गया था. ये अवार्ड किसको मिला था, और आई होप कि ये चीज आपको ध्यान भी होगी कि ये अवार्ड दिया गया था, ये मेरे को बताना पड़ेगा. एविता जी को ये अवार्ड दिया गया था, जो कि हैदराबाद बेस्ड एक डॉक्टर हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था. इसका फिलहाल आंसर क्या बनेगा? आंसर करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मारिया रेसा. बिल्कुल करेक्ट है. अच्छा, यूनेस्को की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस के अंदर है, और इसमें इंडिया की जो साइट्स हैं वो आपको 38 ही मार्क करके आनी है, क्योंकि ग्वालियर और ओरछा जो है वो सिटीज़ के लिस्ट में आता है. कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको मैक्सिमम साइट्स मिलती हैं, तो चाइना के अंदर देखोगे तो 55, इटली के अंदर देखोगे तो 55. और ये ध्यान रखिएगा 2021 की G20 की जो बैठक होनी है वो इटली के अंदर ही आयोजित करी जाएगी. करेक्ट गुड्डू? ठीक है, करेक्ट है, बहुत बढ़िया. अगला सवाल बताइए. चलो, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन तो मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया, एक बार से तुम लोग भी बता दो, तब तक मैं बाकी ऑप्शन के साथ में आपको बता दूं. देखिए, ये कौन है भाई? ये हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर, और मैंने आपको बोला था कि इनको अभी हाल ही में कलिंगा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये कलिंगा अवार्ड इनको ओडिशा सरकार के द्वारा दिया गया है ना, ये आपको मैं बता चुकी हूँ. और इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? श्यामला गणेश. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. सत्यजीत रे, कुछ याद आया? मैंने आपको कहा था ये काफ़ी बड़े डायरेक्टर थे, कैलकटा से बिलोंग करते थे, और इनकी काफ़ी सारी मूवीज आई थी. अब क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनके नाम पे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है एक्सीलेंस के अंदर, इस अवार्ड के अंदर कितना प्राइज होता है? प्राइज अमाउंट आपको बताना है. आंसर गाइज, दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, आपको बता दें क्लास का समय सुबह 7 बजे से होता है, डेली बेसिस पे 7 से 8, और सिर्फ संडे को आपका रिविजन सेशन होता है, दैट इज MCQ. तो जब तक आप डेली बेसिस पे नहीं पढ़ोगे तब तक MCQ सॉल्व करने का कोई लॉजिक नहीं होगा, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा. ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख रुपीज इसका करेक्ट आंसर बनेगा. 5 नहीं है बेटा, 10 लाख रुपए है. ठीक है, चलो. अच्छा, अगले वाले पे आते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर अभी हाल ही में किसको चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? आप मुझे आंसर बताओ, तब तक हम बाकी ऑप्शंस बता देते हैं. अमिताभ चौधरी, आपको ध्यान होगा एक्सिस बैंक के अंदर अभी हाल ही में इनका जो अपॉइंटमेंट है, एक्चुअली रीअपॉइंटमेंट इनका किया गया है, पहले से ही अपॉइंटमेंट था, सिर्फ इनका टेन्योर जो है उसको इंक्रीज किया गया, बाकी कुछ भी नहीं हुआ. ओके, अगला नाम लिखा हुआ है संजय यादव, ये कौन है? अलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो चीफ जस्टिस के रूप में कौन आपको मिलेंगे? संजय यादव मिलेंगे. हीमा कोहली का नाम अगर पूछा जाए तो तेलंगाना के अंदर जो चीफ जस्टिस अपॉइंट करी गई है पहली बार, अब फीमेल, तो आंसर क्या होगा? हीमा कोहली इन तेलंगाना. इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा प्रफुल्ल चंद्र पंत. ठीक है, और प्रफुल्ल पटेल पूछा जाए तो ये कौन है? ये दमन एंड दीव के अंदर कौन है? याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा है मैम, कुछ ऐसा था तो एडमिनिस्ट्रेटर टाइप में कुछ था तो मैम, लेकिन याद नहीं आ रहा है. अरे एडमिनिस्ट्रेटर है. अगला सुनिएगा, यहाँ पे उसको रेगुलेट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे आओ. तुमको भी 10 लाख रुपए चाहिए, पहले आज अपनी मदर के लिए कुछ अच्छा करो, तो वो 10 लाख रुपए से भी बढ़कर होगा आपके लिए. बस उनके लिए थोड़ा सा कुछ ऐसा जरूर करना आज, और अगर नहीं किया तो कल आना, फिर क्लास में बताएंगे फिर तुमको हम. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में RBI के अंदर 4th नंबर के किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? फटाक से इसका आंसर करो. ये तो ईजी क्वेश्चन है यार, आंसर करो इसका. ठीक है, सही कह रहे हो. देखो, एक देखो हमारे क्लास में आए हैं, नेवर गिव अप. ठीक है, इनका सवाल है कि मैम हाउ टू बिकम फेयरर. देखो बेटा, इसका कोई लेना देना तो नहीं है करंट अफेयर से, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है ना, ये हमारी क्लास में जितने ये प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो पढ़ने के लिए आए हैं, दे विल आंसर यू. और अगर उसके बाद भी तुमको बेटा आंसर ना मिले तो प्लीज कॉन्टैक्ट टू गोलू, ही विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू कि कैसे पॉसिबल है. भाई साहब, कसम से कभी कभी ऐसा लगता है कि बेटा क्यों आए हो क्लास में, क्यों तुमने अपने आप को कष्ट दे दिया है, हैं? काय को कष्ट दिया तुमने अपने आप को, थोड़ा सो ही लेते वही अच्छा हो जाता. चलो पढ़ो. डिप्टी गवर्नर पूछे जा रहे हैं RBI के अंदर, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बनेगा टी रविशंकर इज द करेक्ट आंसर. तो ये आपको मालूम होना चाहिए. अब मैं क्या करूँ, फालतू बात पूछते हैं कभी कभी. तो फिलहाल इनका नाम आपको ध्यान रखना है. अच्छा, यहीं से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका जो अपॉइंटमेंट है ये किसकी जगह पर किया गया है, तो वो अंकल गए थे ना जिनका रिटायरमेंट हुआ था, इनकी जगह पर इनका अपॉइंटमेंट किया गया. दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि जब हम डिप्टी गवर्नर बोलते हैं तो टोटल कितने होते हैं, यहाँ पे 4 लोग होते हैं जिनको डिप्टी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता है. और ये जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं सारे के सारे कौन करेंगे? गवर्नर. कौन है? शक्तिकांत दास जी. ये आपको ध्यान रखना है. अच्छा, बाकी 3 लोग कौन है?
सबसे पहला नाम महेश जैन जी हैं, दूसरे एम राव और तीसरे एमडी पात्रा। तीनों लोगों के नाम में देखो एम लगा हुआ है, इनके नाम में नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं। अगला बताइएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो कि हैदराबाद के अंदर है, ध्यान से, जो कि हैदराबाद के अंदर है, उसमें डायरेक्टर के रूप में अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट किया गया, आप इसका आंसर करके बताओ। तब तक मैं आपको बाकी ऑप्शन बता दूं। सुशील चंद्रा, ये कौन है? अभी रिसेंटली आशुतोष, टाइम आउट हुआ है, कोई बात नहीं। सुशील चंद्रा जो है, इनको भी रिसेंटली इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये वाला नाम मैंने आपको बता ही दिया है, अब इसका आंसर करके बताओ। और एस रमन कौन है, ये याद आ रहे हैं कि नहीं याद आ रहे हैं? खा गए। एस रमन जी कौन है? ये हो जाएंगे हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके CJI, जिनका अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया गया था एस ए बोबडे जी की जगह पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सुंदरम जी को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है सेंटर फॉर राइस रिसर्च, राइट, तो आप करेंगे आंसर कटक। और ये कटक कौन सी नदी के किनारे पर है? महानदी के किनारे, दिस इज इन ओरिसा। अगर कहा जाता है वीट के लिए तो आप कहोगे करनाल। करनाल कहाँ है? हरियाणा के अंदर आपको मिलेगा। और अगर कहा जाता है कि राइस के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, तो इसका आंसर बनेगा फिलीपींस। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट्स आपको रिकॉल करा दिए। अगला सवाल बताओ। डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 अभी हाल ही में किसके द्वारा जीती गई है? सिंपल क्वेश्चन है, चार बार ये चैंपियन बन चुके हैं। इंडिया की तरफ से अगर पूछा जाए कि कौन है तो आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। इनका नाम हमेशा ध्यान रखना, इनका नाम बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसका आंसर करके बताओ क्या बनेगा। हाँ हाँ, शादी करके बेटा तुम कौन सा गिफ्ट दे दोगे मम्मी को, हमको तो ये नहीं समझ में आता है। थोड़ा काम कर दो उनके लिए, उतना ही बहुत है। ठीक है, चलो इसका आंसर होगा मार्क सेल्बी। अब एक पॉइंट समझिएगा यहाँ पे, एक्चुअली बताया मेरे को ना, ये नाम देख के लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, तो ऑप्शन में मैंने नहीं लिख दिया है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्क सेल्बी ये कहाँ से बिलोंग करते हैं वो तो आपके सामने लिखा ही हुआ है, बस ये ध्यान रखिएगा कि ये चार बार चैंपियन बन चुके हैं। और अगर इंडिया के पार्ट पे पूछा जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा, दैट इज पंकज अडवाणी। अगला सवाल, श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर जिनका नाम है परेरा, इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है। आपसे पूछा जा रहा है ही वॉज एंड, मतलब स्पिनर, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, क्या थे, ये आप आंसर करके बताओ। फिलहाल ये ध्यान रखना कि IPL के लिए जो मैचेस अभी रिसेंटली पोस्टपोन हुए हैं इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इंग्लैंड ने अभी कहा है कि मैं अपने यहाँ पे होस्ट करा सकता हूँ। हमारे यहाँ से एस जयशंकर जी गए थे यहाँ पे, है ना, G7 के लिए अपॉइंटमेंट, मतलब वो चल रहा था, समिट चल रही थी, तुरंत वापस आ गए थे, हुआ था ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोविड वाले पेशेंट मिल गए थे। तो भैया ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। शुभम कुछ भी, मतलब कुछ भी, इसका आंसर बताओ क्या बनेगा। इसका आंसर है ऑलराउंडर, ही वॉज ऑलराउंडर। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे सपोज करो पूछा जाता है कि जितने भी प्लेयर्स अभी, वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं है, बेकार सा सवाल है, फिर भी अगर फॉर अर नॉलेज कोई पूछ ले कि जितने भी इंडिया के अंदर प्लेयर्स हैं अभी दूसरे दूसरे कंट्रीज के, वो सारे के सारे प्लेयर्स कहाँ पे भेजे जा रहे हैं? मालदीव्स में भेजे जा रहे हैं। अच्छा हॉलीडे हो गया यार उनका तो। अगला देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम इन ODI? ODI में इंडिया की जो मेंस क्रिकेट टीम है उसकी रैंकिंग क्या है? देखो यार, ये क्वेश्चन जो है ना, ये जब तक पेपर आएगा तब तक ये कम से कम 5-6 बार तो बदल चुकी होगी। अब बस इतना ध्यान रखना कि इसको ICC रिलीज करता है, इसका यहाँ पे BCCI से कोई लेना देना नहीं है। और ICCI के लिए अगर कहा जाता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो दुबई के अंदर है। और इसमें एक है चेयरपर्सन, एक कौन है, CEO है। तो चेयरपर्सन पूछे जाएंगे ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड, और अगर CEO पूछे जाएंगे तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, मनु सहाय। इसका आंसर बोलो। ऑलराउंडर क्या होता है ये बताएं। बेटा तुम एक काम करो, आज तुम्हारे पास में पूरा मौका है, क्या करना है आज तुमको, आज तुम अपनी मम्मी के पास में जाओ और मम्मी से जाके पूछना कि ऑलराउंडर क्या होता है। फिर बेटा मम्मी जो तुम्हारी जो धुनैया करेंगी ना, तुमको जो जबरदस्त गिफ्ट मिलेगा वो तो खैर भगवान ही मालिक है। फिर ऑलराउंडर क्या होता है, कसम से। हाँ बताओ, क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों कराएंगे? अच्छा ये बताओ अविनाश, डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों कराएंगे, मुझे इसका एक रीजन दे दो। पेपर में अभी क्या हुआ था, स्टेटमेंट आए थे, तब क्या हुआ था, हवाइयाँ उड़ी थी ना। अब तुमने पेपर नहीं दिया होगा वो वाला, इसलिए बेटा तुमको लग रहा है कि मैम ऐसे वन लाइनर कराया करो। वन लाइनर से कोई फायदा थोड़ी ना होता है, कोई फायदा नहीं होता वन लाइनर से। वन लाइनर तो आप 10 मिनट में भी कहीं पे जाके पढ़ के आ जाओगे, लेकिन जब वो पेपर में ही नहीं आएगा तो फायदा क्या, ये बताइए। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड नंबर, समझ गए। चलो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले सवाल पे। फ्लाइंग चप्पल आएगी आज, मना देंगी मम्मी इनका, हैप्पी कोल्हापुरी डे।
अगला सवाल, इंडियन आर्मी फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी जो अभी एक प्लांट एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है इंडियन आर्मी के द्वारा, ये कहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाएगा? पहला पॉइंट सुनिएगा, सोलर पावर प्लांट जो फ्लोटिंग वाला जो कि इंडिया का सबसे बड़ा है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया? एमपी के अंदर। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में तेलंगाना और एमपी दोनों लिखकर आएगा तो आप तेलंगाना मार्क करेंगे, क्योंकि तेलंगाना में अभी जो सबसे बड़ा है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये जब बनके तैयार हो जाएगा तो ये मई 2021 की डेट दी गई थी। लेट्स सी कि तब तक बनके तैयार होता है कि नहीं तैयार होता है, बट फिलहाल ये ध्यान रखिएगा। ओके, अगर पूरे वर्ल्ड में पूछा जाएगा तो सिंगापुर हो जाएगा इसका आंसर, और यहाँ पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिक्किम विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नाटो की मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 21, इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था? हाँ, आई विल गो विथ फाइजर। चलिए नाटो की बात करें तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसमें टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? 30 कंट्रीज आती हैं, और ये ध्यान रखना है कि इसमें जो नई कंट्री जुड़ी है दैट इज नॉर्थ मैसेडोनिया। अब इनकी भी अलग ही अपनी कहानी है, ग्रीस के अंदर एक जगह हुआ करती थी मैसेडोनिया जहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट पर्सनैलिटी बिलोंग करते थे। अब ग्रीस ने बोला कि भाई देखो, अगर तुमको नाटो का पार्ट बनना है तो पहले तुम अपना नाम बदलो, तो इन बेचारों ने अपना नाम बदला और 2020 में इनको क्या कर दिया गया, नाम चेंज करने के बाद ये नाटो का मेंबर बन गए। हो सकता है कि आज जो आपका टेस्ट होने वाला है 12 बजे, उसमें शायद आपको नाटो के ऊपर कुछ ऐसे ही सवाल मिल जाए, तो मेरे हर एक स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से कैच किया करो, क्योंकि जो आपका भी टेस्ट होता है 11 बजे और 12 बजे उन टेस्ट में आपको स्कॉलरशिप मिलती है, और अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो और इससे अच्छा क्या हो सकता है, और स्कॉलरशिप कब मिलेगी? जब अच्छा काम करोगे तभी तो मिलेगी ना। ठीक है, चलिए अच्छा, हाँ अल्बानिया, श्योर है? बिल्कुल सही, अल्बानिया इज द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी वाटर बॉडी है, क्योंकि ये क्या थी, ये ड्रिलिंग वाली थी ना, तो आंसर हो जाएगा ब्लैक सी का जो एरिया था वहां पे इसको परफॉर्म किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ। ओके ओके राजपूत, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। कनुप्रिया, अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी, आपको ध्यान होगा। अब आप मुझे ये बताओ, टीवी एक्टर या एंकर या क्या थी ये? या सिंपल है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। काफी सारे लोगों की डेथ हुई है, बट यार याद तो करना ही पड़ेगा ना कि कौन कौन से फील्ड से बिलोंग करता था, इतना पता होना चाहिए आपको। वो देखो गुड मॉर्निंग चालू है अभी, क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बस मैंने एक हिंट दे दिया है और आपको बता दें कि ये क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि आंसर्स तो मैंने ही रिकॉर्ड किए ना, तो मुझे तो सब पता ही है। चलो अभिलाषा पाटिल, आपको बताना है कि इनका नाम कौन से फील्ड से जुड़ा हुआ है और अभी हाल ही में कोविड की वजह से इनकी डेथ हुई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शी वॉज अ एक्ट्रेस। ठीक है, अगला सोली सरब जी, आपको नाम याद आ रहा होगा, मैंने आपको इनके बारे में काफी डिटेल में पढ़ाया भी था, अटॉर्नी जनरल ये थे, तो अब आंसर तो मैंने कर ही दिया है, बट ये ध्यान रखिएगा कि इनकी जो डेथ हुई है वो भी कोविड की वजह से हुई है। तो अटॉर्नी जनरल अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? के वेणुगोपाल जी हो जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर अगर पूछे जाएंगे आपसे तो वो कौन है? शक्तिकांत दास जी, और फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल के लिए आर्टिकल नंबर कितना होता है? 76 इज द आर्टिकल नंबर, अगर कैग के लिए पूछ ले तो 148 है। अगला, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्या है? जगमोहन पास अवे रिसेंटली, अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये कहाँ के गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं, आप मुझे आंसर करके इसका फटाफट से आंसर कर दो, तब तक जरा बात कर लेते हैं। ओहो, बड़े दिनों बाद दिखाना ये, और कहाँ, मतलब देखो भी तो आज कौन से दिन पे ये दिख रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो लद्दाख है, लद्दाख जो है, यहाँ पे एलजी कौन है? आंसर करके बताओ यार, एलजी कौन है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे? इसका आंसर बनेगा जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रेजेंट टाइम पे जो एलजी है वो कौन है? मनोज सिन्हा जी। अगर सबसे पहले एलजी तो मालूम है, जो साल में एक बार मुंह दिखाने आते हैं क्लास में उनको शायद एलजी भी नहीं पता होगा। एलजी इज वर्ड, आधे बोलेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, आधे कहेंगे ल्यूटिनेंट गवर्नर, बट इट इज प्रोनाउंस्ड, मतलब इस केस में इसको बोला जाता है ल्यूटिनेंट, और जब हम आर्मी की बात करते हैं तो होता है लेफ्टिनेंट। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अपॉइंटमेंट हुआ था वो कौन थे? गिरीश मुर्मू जी, और अगर लास्ट गवर्नर पूछे जाएंगे तो सत्यपाल मलिक जी हो जाएंगे। अब आप मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या था? जम्मू एंड कश्मीर था। बिल्कुल करेक्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड, आर के माथुर जी, करेक्ट है। अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर एंड हिंदुस्तान FC ओनर जिनकी डेथ हुई है, देखो जितनी भी डेथ हुई है ना, समझ जाया करो कि यहाँ पे इंसान जिए तो भी याद करो, इंसान मर जाए मैम तो भी याद करो, तो कर क्या सकते हैं?
कुछ नहीं कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जब कोई चला जाता है तो याद करना पड़ता है ना, उसकी याद आती है ना, बस समझ लो वही वाली याद आ रही है। इसका आंसर क्या बनेगा भैया? इसका आंसर है दिलीप कुमार बोस जी, अभी रिसेंटली ये एक्सपायर किए थे। अगला सवाल, 400 नंबर का प्रकाश पर्व जो है वो गुरु तेग बहादुर जी के लिए सेलिब्रेट किया गया था, आपको बताना है कि वो कौन से नंबर के गुरु थे, या ही वॉज डैश ऑफ 10 गुरु। टोटल 10 गुरु हुआ थे, है ना, सिख रिलीजन में टोटल 10 गुरु हुए थे। सवाल में पूछा जा रहा है कि ये कौन से नंबर के गुरु थे, सोच लो आराम से, टेक योर टाइम। देखो इनके जो फादर थे वो 6 नंबर के गुरु थे, अब आप बताओ कि कौन से नंबर के गुरु होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 9th गुरु थे। ओके, इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रकाश पर्व के ऊपर कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं। अगला, वर्ल्ड लाफ्टर डे, हंसो पहले अच्छा एक बार से, एस्पिरेंट वो कहते हैं ना जिंदगी दे मौका तो हर इम्तिहान के लिए तैयार हैं। अगर आपने एस्पिरेंट नहीं देखी है, जो कल वाला एपिसोड आया था, मस्ट वॉच सेशन, लिटरली बोल रही हूँ मस्ट वॉच सेशन। मैं बहुत रेयर केस में ऐसा कहती हूँ कि तुम टीवी देखो या ऐसा करो वैसा करो, बट दिस इज अ मस्ट वॉच, डेफिनेटली एक बार से देखना जरूर। हाँ जी, लाफ्टर डे, एक बार हंसो जल्दी से और फिर इसका आंसर करो। हाँ जी, जो टेस्ट होता है उसका सोल्यूशन आपको ऐप पे ही मिल जाता है, आप ऐप पे चेक कर सकते हो। फिलहाल इसका आंसर क्या है, फर्स्ट संडे ऑफ मे को लाफ्टर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, टूना डे। टूना डे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये टूना फिश होती है, राइट, और ये टूना फिश जो होती है ये बहुत ही रेयर केस में पाई जाती है, काफ़ी कॉस्टली भी होती है, और इसकी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं कि इसके अंदर विटामिन प्रेजेंट होते हैं, ओमेगा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लोग इसको खाना प्रेफर करते हैं। अब इसमें छी करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। तो ये जो टूना फिश डे होता है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2nd मई को। बट ये ध्यान रखना, इंडिया के अंदर जो लक्षद्वीप आइलैंड का एरिया है ये सिर्फ वहीं पर पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती। ओ माय गॉड, हंसी तो देखो, हंसी भी ऐसी वाली आ रही है कि मतलब मैम अब क्या बताएं, दिमाग में तो वही चल रहा है कि अभी मम्मी के लिए काम क्या करना है ना। चलो अच्छा, आ जाओ आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर किसी का थर्ड में भी आया है, थर्ड में भी किसी का आया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। पहले तो भैया देखो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिलीज होता है, इसको रिलीज कौन करता है, तो इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, सिंपल सा है, यहाँ पे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया की रैंकिंग कितनी हो जाएगी वो आप आंसर करके बताइए, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में ध्यान रखिएगा इंडिया की रैंकिंग 139 है, और प्रेस फ्रीडम के अंदर इंडिया की रैंकिंग जो पिछली बार थी वही इस बार भी है, दैट इज 142। नंबर वन पे कौन है, नंबर वन पे हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ करेक्ट। चलो 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 बस हंस लिए, इसका आंसर हो जाएगा 3rd of May इज द राइट आंसर। एक आखिरी क्वेश्चन है शायद ये, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ये किस दिन सेलिब्रेट होता है। मैंने आपको देखो अभी कुछ दिन पहले बताया था कि रेड क्रॉस डे के बारे में याद आ रहा है, कुछ कल ही पढ़ाए थे 8 तारीख को, वो भूल मत जाना। तो 8 तारीख को क्या होता है, रेड क्रॉस डे होता है, यहाँ पे फायर फाइटर्स डे जो है वो कब होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 4 तारीख। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीजों को पढ़ लिया है। एलन मस्क का बेटा बताया तो था, वो जो उनका स्टारशिप मिशन था ना, जिसको वो ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से मार्स पे भेजने के लिए, क्योंकि देखो उन्होंने कम से कम 11-12 बार ट्राई किया है, बट जब वो वहां पे पहुंचने से पहले ही जब वो लैंड कर रहा था तो वो बार बार क्रैश हुआ जा रहा था। तो अभी जो उनका स्टारशिप है वो थोड़ी दूरी तक उड़ा है और अब वो प्रॉपरली लैंड कर गया है, तो अब देखो कब ये मार्स पे पहुंचेगा और कब तुम लोग मार्स पे जाओगे घूमने के लिए। ऑलराइट, चलिए तो ये तो था आज हम लोग का रिविजन सेशन। डेली करंट अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे लाइव आना मत भूला करिए। एंड हाँ, एक चीज और, अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो वीकली एमसीक्यू का कोई लॉजिक नहीं है। और हाँ प्लीज एक काम कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है टेस्ट का, और अभी हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे दोनों टेस्ट का। एक 11 बजे है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, सभी बच्चे जाके देखे आना, ये मत करना अरे मैम मैं तो रेलवे वाला हूँ कैसे जाके पेपर देके आऊंगा। डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ज्ञान मिल रहा है ना फ्री में, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ सीख के ही वापस आओगे। और जो एसएससी वाला है वो 12 बजे होगा, उसमें भी सभी बच्चे जाके टेस्ट अपना देकर आएंगे। ठीक है, और हाँ अगेन आई विश ऑल दी मदर्स, एक बार से आप सभी लोग अपनी मदर को मेरी साइड से विश करोगे और मैं भी अपनी मदर को विश करूंगी, थोड़ा सा उनके सामने का थोड़ा सा नहीं, आज पूरे काम हम ही करने वाले हैं। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका सब्सक्रिप्शन गाइज, बैचेस आपके 12 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो ऑफर आपको मिल रहा है ये 12 तारीख को खत्म हो जाएगा, तो अभी इसमें आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, तो टाइमली इसको ज्वाइन कर लो इफ़ यू वांट टू। यूपीएससी का भी सेम क्राइटेरिया है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको 35% यहाँ पे ऑफ मिल रहा है, जिसमें आपका जीएस मेंस और इंटरव्यू सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। राइट, स्कॉलरशिप के लिए जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो हम टेलीग्राम पे भी शेयर कर देते हैं। करेक्ट, चले फिर मिला जाए, कितने बजे हम मिलेंगे, 10 बजे। दिल छू लिया उसने, दैट वॉज ग्रेट, दैट वॉज ग्रेट। चलो टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए,
अपनी माँ बाप की इज्जत करिए, इससे बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती, और अपने माँ बाप से मोहब्बत करना सीखिए, है ना। कई बार कहते हैं ना, वो जब से तुम लोग गाना सुने हो ना, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ गाना है, उसे गाने ही रहने दें। लाइफ में आपके पेरेंट्स आपके लिए जो कुछ भी कहते हैं वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं, तो जस्ट डेडिकेट सम टाइम टू देम, और हो सके जितना हो सके उनके बारे में सोचा करिए। चीज़ें जो हैं वो ठीक है, पेंडेमिक है, ये है, वो है, फलाना है, दिमाग का है, ठीक है, चीज़ें नॉर्मल तो होंगी होंगी ना, जब नॉर्मल होंगी तो वो आपके लिए सबसे 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 ज्यादा खूबसूरत समय होगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय एंड टेक केयर।